Yes. Okay. So today we are going to solve a question of a standard 9, exercise 2.1 from R.D. Sharma. That is, chapter name is exponents of real number. So here its question is given, if A is equal to xy to the power p minus 1, B is equal to xy power q minus 1, and C is equal to xy to the power r minus 1. That's given. So we have to prove here that A to the power q minus r into B to the power r minus p into C to the power p minus q is equal to 1. So what we have to prove here means we will calculate this all and we have to get the answer. It should be 1. So to find out and to prove that, first of all, what we have to write? We have to find out the solution which is given, the left side of this is equal to, and after solution, we will get 1 as the answer. So for that, what we have to do? First of all, we have to write here LHS. So in LHS, what is given? That's given that A to the power q minus r into B to the power r minus p and C to the power p minus q. This is given. Okay, now here what we have to do, that's given. This 3 is given, no problem. Now, what we will do first of all, A value is given already. A ka value hum log ke paas hai. Kya hai diya hua? Ki x, y ka power p minus 1. So, we will put the value of A here. Now, in place of A, can we write here? X, y ka power p minus 1. Their power is already given here because of in place of A only we have put this value. उसका पावर हमको दिए हुआ है q माइनस r. सिमिलरली देयर इज वी कैन राइट इनटू, बिकॉज़ ऑफ ये सभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनटू भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट हियर. नाउ b का पावर, फिर देखिए b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, xy का पावर क्या दिया हुआ है, q माइनस 1. तो उसका पावर हम लिख सकते हैं यहां पे आपको दिया हुआ r माइनस p, नो प्रॉब्लम. अगेन अब देखिए c का वैल्यू दिया हुआ है, c का पावर दिया हुआ है p माइनस q, और c का वैल्यू हमारे पास क्या है, xy का पावर r माइनस p. सो इन प्लेस ऑफ c वी कैन राइट हियर नाउ xy का पावर r माइनस 1 का पावर p माइनस q. ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ, हमने पुट कर दिया. अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि यदि किसी x का पावर m हो और उसका बाहर पावर अगर n हो तो इसका हम कैसे निकालते हैं एक्सपोनेंट्स में, अंदर पावर बाहर पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है. It can be written in the form of x into m, यानी mn, यानी इसको हम x पर पावर m और n को गुना कर सकते हैं, तो x पर पावर क्या हो सकता है, mn हो सकता है. सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे हम क्या करेंगे, xy को इधर रखेंगे और अंदर पावर क्या है हमारे पास p माइनस 1 और बाहर पावर क्या है q माइनस 1, ये दोनों गुना हो जाएगा. तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r लिख सकते हैं. सिमिलरली एक्स वाई का पावर यहाँ भी हम उसी तरह लिख सकते हैं, क्यू माइनस आर वन और इंटू आर माइनस पी. सिमिलरली यहाँ भी हम रखेंगे एक्स वाई का पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू. हमने अंदर पावर बाहर पावर को क्या किया, गुना कर दिया. अब इसको हम गुना करके लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि यदि किसी भी एक्सपोनेंट का अगर बेस सेम होता है तो उसके पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. तो हम तीनों का पावर सेम, बेस सेम है, एक्स वाई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई का पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, प्लस कर सकते हैं इसके पावर को, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू. हमने सभी के पावर को ऐड कर दिया. अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे तो देखिए, एक्स वाई का पावर हम इस दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका pq हो जाएगा. फिर p को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस वन से अब हम q को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस q. ओके, और फिर माइनस वन से अगर r को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, फिर यहीं पे हम दूसरी ओर क्या करेंगे, अब ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन q इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद r, इट विल बी qr. Then q is going to multiply by minus p, it will be minus qp. And similarly, minus 1 को अगर हम r को गुना करेंगे तो क्या होगा, ये minus r. ठीक है, और फिर minus 1 से अगर minus p को गुना करेंगे तो minus minus plus p will be there. Similarly, plus
R is going to multiply by B, it will be RP. Okay. And R is going to multiply by minus Q, it will be minus RQ. Okay. Now minus 1 is going to multiply B, it will be minus P, and minus minus plus, that will be Q. Because of हमने इस सारे exponents को क्या किया, powers को क्या किया, हमने सबको multiply कर दिया. ठीक है. अब हमको इसका value निकालना है. देखिए xy का power. अब देखिए PQ plus and PQ, where is PQ? PQ minus. Cancel. PR plus and here is RP minus. Cancel. Q minus Q plus. Cancel. R plus R minus. Cancel. QR plus QR minus. Cancel. Here is P plus and P minus. Cancel. तो पावर हमको क्या बचा? जीरो. यानी इसका पावर हमको क्या बचा? जीरो. और आप जानते हो एक फॉर्मूला से कि अगर x टू द पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? वन होता है. तो हमको इसका वैल्यू क्या आया? वन. दैट इज इक्वल टू आर एच एस रूट. दैट इज रिक्वायर्ड टू बी नो. इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट आस्क मी.